Hello everyone. Now, today we are discussing our Unit 5 of Research Methodology. In this unit, we discuss about the report writing and statistical tools which are using for hypothesis testing. Report writing is the last part of any research that is also called a thesis writing. Now, the research report are designed to convey and record information that will be practical use to the reader. It is organized into discrete units to specific and highly visible information. Research report जो होती है, it's a, आप कह सकते हैं कि इसको thesis होती है, last part होती है, जो भी आपने research, जो भी आपने problem identified की, उससे related data collect किया, देन उसको एनालाइज किया, जो कंक्लूजन्स आपने विड्रॉ किए हैं, निकाले हैं उस रिसर्च से, उसको राइट करने का एक, उसको रिटर्न फॉर्म में लेने का एक तरीका है रिसर्च रिपोर्ट, जो कि इजीली आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, जबकि जो दूसरे रिसर्चर्स हैं उसको वो अपने एज ए रेफरेंस उसको यूज़ कर पाए. वी हैव सम ऑथर्स डेफिनेशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट. A report is a statement of collected and considered facts, so drawn up as to give clear and concise information to person who are not already in possession of the full facts of the subject matter of the report. These are the author's definition by Lance Costas. Now, here is some significance of report writing. क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ती हैं, कोई क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है किसी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के लिए. इट्स प्रोवाइड डिटेल्स, सोर्स ऑफ कंसाइव एंड ऑर्गेनाइज डेटा, लॉजिकल प्रेजेंटेशन एंड बिब्लोग्राफिकल एविडेंस. कोई भी रिसर्च है वो आपको पूरी डिटेल, जो भी आपका रिसर्च प्रॉब्लम आपने डिफाइन करी हुई है वो आपकी पूरी डिटेल उसमें आप वो कर सकते हैं. सोर्स ऑफ कंसाइज एंड ऑर्गेनाइज डेटा, जो भी आपका डेटा है वो उसको कंक्लूजन शो करती है, उस डेटा का लॉजिकल प्रेजेंटेशन होता है, और बिब्लियोग्राफिकल एविडेंस, उसमें एविडेंस होते हैं कि वो डेटा कैसे आपने कलेक्ट किया है या कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है, वो पूरी रिपोर्ट राइटिंग में आप प्रेजेंट करते हैं. स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग की कुछ स्टेप्स हैं. तो पहली स्टेप है लॉजिकल एनालिसिस ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर. द फॉलोइंग पॉइंट्स आर बी कंसिडर्ड इन द लॉजिकल एनालिसिस. तो फर्स्ट इसका पॉइंट है प्रिमली कंसिडर्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट. जो भी रिसर्च है आपकी, कोई भी रिसर्च, जो भी रिसर्च करी गई रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, आपने जो भी सब्जेक्ट एरिया में रिसर्च करी, लाइक मार्केटिंग रिसर्च, फाइनेंस रिलेटेड रिसर्च, वो उस सब्जेक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है. तो जब भी रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें कुछ न्यू फैक्ट्स या न्यू आपका जो भी, जिस भी एरिया में आपने रिलेटेड टू द सब्जेक्ट आपने रिसर्च करी है वो उससे डेवलपमेंट से रिलेटेड होना चाहिए. दो इसके, दो डेवलपमेंट के दो वो होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, दो तरीके होते हैं उसके डेवलपमेंट के. द फर्स्ट वन इज लॉजिकल मेंटल कनेक्शन एंड एसोसिएशन बिटवीन द वन थिंग एंड अनदर बाय मींस ऑफ एनालिसिस. जो भी एनालिसिस आपने किया है वो तार्किक रूप से, वो इट मींस कि इट्स लॉजिकली फिट होना चाहिए, एंड रिलेटेड टू द, वो ऐसा रिलेशनशिप जो कि आप उसको उस सब्जेक्ट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर पाओ. द सेकेंड पार्ट इज क्रोनोलॉजिकली इट इज़ बेस्ड ऑन ए कनेक्शन और सिक्वेंस इन अ टाइम और अक्यूरेंस. द डायरेक्शन फॉर डूइंग और मेकिंग सम थिंग्स यूजली फॉलोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जो भी सब्जेक्ट है, जो पुराना सब्जेक्ट में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं, जो इस एरिया में डेवलपमेंट हुआ है वो पुराना डेवलपमेंट है. जो भी आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए टाइम के अकॉर्डिंग कि पुराने टाइम पे इस सब्जेक्ट में ये डेवलपमेंट हुआ था, इस एरिया में डेवलपमेंट हुआ था. नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस रिसर्च फॉर द पर्टिकुलर एरिया, उसको डेवलपमेंट के लिए
किस प्रकार से आपने एनालाइज किया है वो पूरा आपकी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में होना चाहिए। द सेकेंड स्टेप ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। आउटलाइन आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच लॉन्ग रिटन वर्क्स आर कंस्ट्रक्टेड। जो आउटलाइन होती है प्रिपरेशन, जो भी आपने रिपोर्ट राइटिंग कर रही हैं उसके लिए पहले से एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, क्योंकि रिसर्च का जो राइटिंग का कार्य है वो एक बहुत लॉन्ग टर्म का, लंबे, जो भी रिटर्न वर्क होता है रिसर्च में वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, और उसको लिखने के लिए प्रॉपर एक आउटलाइन पहले से प्रिपेयर्ड करना चाहिए। जिसमें आउटलाइन में जनरली आप ये करते हैं कि पहले कौन सा पार्ट आप रिटर्न करेंगे, फिर कौन सा पार्ट आपका जाएगा। जनरली जो भी आपका टॉपिक्स, जो भी सब्जेक्ट एरिया पे आपने रिसर्च करी है, पहले उस सब्जेक्ट एरिया का इंट्रोडक्शन, देन फिर आप कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये सारी चीज़ें उस आउटलाइन में पहले से कंसिडर्ड की जाती हैं। दे एड टू द लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल एंड रिमाइंडर ऑफ द पॉइंट्स टू बी स्ट्रेस्ड इन द रिपोर्ट। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके रिपोर्ट में, कुछ पॉइंट्स आपको, आप लॉजिक आउटलाइन बना रहे हैं तो उसको पहले से कुछ पॉइंट्स को ऐसे दिया अलग से लिख लेना चाहिए जो कि आपकी रिपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसे पॉइंट्स को पहले से वो करना चाहिए, लिख लेना चाहिए, आउटलाइन में इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, इट्स इन्वॉल्व द प्लानिंग नीडेड टू प्रिपेयर अ क्लियर रिपोर्ट दैट इज लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड ईजी टू रीड। एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना, एक ऐसी प्लानिंग करना जिससे वो पूरी एक वेल मैनेज रिपोर्ट हो, और जिसको पढ़ने में जो भी रीडर्स हैं, जो भी उसका रेफरेंस ले रहे हैं, जो भी उसको यूज़ कर रहे हैं एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, या जो भी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है उस रिसर्च के थ्रू, उस रिपोर्ट के थ्रू, तो वो आसानी से पढ़ी जा सके। लेक ऑफ प्रॉपर आउटलाइन और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मेक्स द रिपोर्ट एम्बिगुअस एंड डिफिकल्ट टू रीड। अगर आप प्रॉपर एक आउटलाइन नहीं बनाते हैं और प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग नहीं करते हैं तो उसको समझने में और उसको पढ़ने में जो भी रीडर्स हैं उनको बहुत दिक्कत जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ द रफ ड्राफ्ट। जो भी आपने आउटलाइन तैयार करी है उसके पहले, कोई भी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट राइट करने के पहले एक ये है कि प्रिपरेशन कर लें, एक रफ ड्राफ्ट बना के देख लें। इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं कंसिडर किए जाते हैं। दिस फॉलोइंग द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ द एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल आउटलाइन। जो भी आप आउटलाइन बना रहे हैं उसके पहले, फाइनल आउटलाइन बनाने के पहले एक रफ ड्राफ्ट बना के देख लें, ताकि आप उसको लॉजिकली उसका एनालिसिस कर पाए। द सेकेंड थिंग, द रिसर्चर्स नाउ सिट्स टू राइट डाउन व्हाट ही हैज़ डन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज रिसर्च स्टडी। जो भी रिसर्चर्स हैं जिन्होंने वो स्टडी करी है वो एक बैठे आराम से और उस चीज़ में देखें कि उसने अब तक उस रिसर्च में क्या क्या किया है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आपने डेटा एनालिसिस किया है या आपने कंक्लूजन निकाले हैं, इट्स ऑल अबाउट कि आपने स्टार्टिंग कहाँ से की, हाउ टू डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ टू कलेक्ट द डेटा, हाउ टू स्टडी द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन हाउ टू कलेक्ट द डेटा, व्हाट मेथड यू यूजिंग फॉर डेटा कलेक्शन, व्हाट मेथड फॉर एनालाइजिंग द डेटा। ये सारी चीज़ें जो हैं पहले एक अपने दिमाग में, एक आराम से जो भी रिसर्चर्स हैं वो बैठें कोई भी रिपोर्ट राइटिंग करने के लिए, देन उसका एक रफ ड्राफ्ट क्लियर कर लें। इसमें दीज आर द आइटम्स इंक्लूडिंग फॉर रिसर्चर्स द प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय हिम इन द कलेक्टिंग द मटेरियल ऑफ फॉर हिज स्टडी। कौन कौन से मटेरियल उसने, कौन सी मेथड्स अडॉप्ट किए हैं मटेरियल डेटा कलेक्ट करने के लिए, मटेरियल कलेक्ट करने के लिए। वेरियस लिमिटेशन फेस्ड बाय हिम, कौन कौन सी दिक्कतें गई थी उस प्रोसेस के लिए, उसको डेटा कलेक्शन के लिए, उस प्रोसेस को, पूरी रिसर्च को करने के लिए। द टेक्निक्स फॉर एनालिसिस अडॉप्टेड बाय हिम, कौन कौन सी स्टेटिस्टिकल टूल्स या कौन सी टेक्निक उसने डेटा को एनालिसिस करने के लिए लगाई थी। देर आर सम सॉफ्टवेयर्स ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट फॉर डेटा एनालिसिस,
सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटा एनालिसिस किया था या क्या किया था, ये सारी चीज़ें उसको कंसिडर करना पड़ती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द बोर्ड फाइंडिंग एंड जनरलाइजेशन। फाइंडिंग्स हैं जो भी उन्होंने कंक्लूजन जो फाइंडिंग्स निकाली हैं अपने रिसर्च में, वो ऐसी चीज होनी चाहिए जो एक जनरल फॉर्म में अप्लाई हो सके। द नेक्स्ट इज द वेरियस सजेशंस ही वांट्स टू ऑफर रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी थी उसके बारे में, उस रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिफरेंट एडवाइस को प्रेजेंट, मीन्स टू से कि आप जो भी रिसर्च लिख रहे हैं और जो भी प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाइड की थी उसका सॉल्यूशन क्या है, वो आपके वो एडवाइस आपकी रिसर्च रिपोर्ट में होना चाहिए। द नेक्स्ट इज द रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द रफ ड्राफ्ट। जो आपने एक रफ ड्राफ्ट पहले से प्रिपेयर किया हुआ है उसको रिपॉलिश करना, उसमें और थोड़ा सा एनालिसिस करना, जो जो गलतियाँ छूट गई हैं उसको देखना। उसमें आप खासतौर पर देख सकते हैं, दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेज, द केयरफुल रिविजन मेक्स द डिफरेंस बिटवीन अ मेडिक्योर एंड अ गुड पीसेस ऑफ राइटिंग। जो आपने एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया है और एक जो आपका फाइनल ड्राफ्ट है, तो एक रफ को ही अगर आप फाइनल ड्राफ्ट मान लेते हैं तो वो एक आपका बहुत एवरेज ड्राफ्ट या एवरेज रिपोर्ट बन जाती है। देन रफ ड्राफ्ट को अच्छे से एक स्टडी करके, उसकी पॉलिशिंग करके, जो जो उसमें कमी है देन उसको फाइनलाइज करना एक अच्छे रिपोर्ट राइटिंग का साधन बनता है। व्हाइल रीराइटिंग एंड पॉलिशिंग वन शुड चेक द रिपोर्ट फॉर वीकनेसेस इन लॉजिकल डेवलपमेंट और प्रेजेंटेशन। जो भी आप पॉलिशिंग जब कर रहे हैं तो उसमें एक बार देख लें कि इस रिपोर्ट की क्या क्या वीकनेसेस हैं और उसको किस तरीके से डेवलप करके सही तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। द नेक्स्ट इज द फर्स्ट रिव्यू इज द फर्स्ट रिव्यू इज ऑफ द मटेरियल इन द रिपोर्ट। द फॉलोइंग ये कुछ चीज हैं रिव्यूज के लिए रिपोर्ट राइटिंग के पहले, तो इसमें फर्स्ट रिव्यू होता है। पहले रिव्यू में आपको दीज आर द पॉइंट्स चेक करने हैं और भी कंक्लूजन्स वैलिड, जो भी कंक्लूजन आपने निकाले हैं इट इज़ आर वैलिड और नॉट। द सेकेंड इज सफिशियंट इंफॉर्मेशन गिवन टू सपोर्ट द कंक्लूजन्स। जो भी कंक्लूजन्स है उससे रिलेटेड जो सपोर्टेड इंफॉर्मेशन है वो सफिशियंट है या उसमें और एड ऑन करने की जरूरत है। द नेक्स्ट इज द इज इनफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गिव टू एक्सप्लेन द रिजल्ट। जो भी आपने रिजल्ट ड्रॉ किए हैं उस रिपोर्ट से, उसके लिए जो भी आप एविडेंस या जो वो कर रहे हैं वो इट इज़ इनफ एक्सप्लेन करने के लिए सही है या उसमें कुछ और एड ऑन करने की ज़रूरत है, पहले रिव्यू में देखना है आपको। देन द नेक्स्ट इज हैव ऑल इररिलेवेंट आइडियाज़ बीन डिलीटेड। जो भी उस आपकी रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च से रिलेटेड इररिलेवेंट आइडियाज़ हैं या जिनका उसमें कोई रिसर्च में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसे आइडियाज़ को डिलीट करना है। इधर क्या होगा, वो रिपोर्ट्स जो है आपकी बड़ी तो हो जाएगी बट दे आर नॉट यूजिंग फॉर प्रैक्टिकल यूज के लिए, वो नहीं हो पाएगी। द नेक्स्ट इज आर द इलस्ट्रेशंस पर्टेंट एंड नेसेसरीज। जो भी आपने एग्जांपल्स दिए हैं वो जरूरी थे या नहीं थे। द नाउ वी कम द सेकंड रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट। द सेकंड रिव्यू The second review is of the mechanics and organization. Are the subject and purpose clearly stated? Does the report flow smoothly for the topic to topic? Are the relations between the topics clear? Each illustration is clear and properly labeled? Are all required parts of the report included? These are the following points that should be considered as a second review of our report writing. And the final review, the third review, is of spelling and grammar, particularly punctuation and sentence structure. It's a very important part of our report writing.
इट्स द फाइनल पार्ट ऑफ थर्ड रिव्यू इन ईच सेंटेंस रिटन इफेक्टिवली, जो भी सेंटेंस लिखे हैं इफेक्टिवली है नहीं, और दी सेंटेंसेज वरीड इन लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू अवॉइड मोनोटोनी. द नेक्स्ट इज आर द वर्ड स्पेसिफिक रेदर देन दी वेग्यूज. नाउ द नेक्स्ट इज हैव ऑल अननेसेसरी वर्ड बीन डिलीटेड. सो दीज आर द थर्ड रिव्यू ऑफ रिपोर्ट राइटिंग. नाउ in our last lecture we discussed the report writing. Now we are discussing the statistical test. Statistical tests are intended to decide whether a hypothesis about distribution of one or more population or sample should be rejected or accepted. We about the hypothesis, it is assumptions about the research what you have to done, or it is accepted or rejected. So there are two kinds of statistical test. It's a parametric and the non-parametric test. Now parametric test, to make the generalization about the population from the sample, statistical tests are used. A statistical test is a formal technique that relies on the probability distribution for reaching the conclusion concerning the reasonableness of the hypothesis. This hypothetical testing related to differences are classified as per parametric and non-parametric test. The parametric test is one which has information about the population parameters. On the other hand, the non-parametric test is one where the researcher has no idea regarding the population parameter. It means हम ये कह सकते हैं कि parametric test, जब आपको population का अंदाज़ा हो कि जो आप samples withdraw कर रहे हैं population से कितना है, when the researchers has idea about the population, then they are using the parametric test. When the researchers have no idea about the population, then they are using the non-parametric test, right? The parametric test is a statistical test that makes assumption about the parameters of the population distribution from which one's data is drawn. So here is some applications about the parametric test, and these applications are used for quantitative data, used for continuous variable, used when data are measured on approximate interval or ratio scale measurement. Data should follow normal distribution. So we have different type of parametric tests. First we are discussing the t-test. The two types of t-test for one sample or t-test for two sample. T-test for two sample दो प्रकार के होते हैं, that is the unpaired two sample test t-test and paired two sample t-test. Now we are discussing the second one is the ANOVA. There are two type of ANOVA, it's a one way ANOVA and the two way ANOVA. The other parametric test is the Pearson's correlation and Z test. Now we are discussing about the student T test. It is also called the student T test. It is developed by Professor W.S. Gossett. A T test compares the difference between two means of difference group to determine whether the difference is statistically significant. It means कि पैरामेट्रिक टेस्ट जब भी करते हैं आप, जब आपको पॉपुलेशन का आइडिया होता है कि कितनी पॉपुलेशन से आप डेटा सैंपल विड्रॉ कर रहे हैं, तो सैंपल टी टेस्ट आप जब यूज़ करते हैं दोनों को कंपेयर करते हैं, जो सैंपल आपने विड्रॉ किया है उसके एवरेज से, उसके मीन से एंड द पॉपुलेशन के मीन से. इट द बोथ आर सेम द हाइपोथेसिस इज बी एक्सेप्टेड. So there here is some assumptions about the one sample t-test.
In the assumptions, a population is normally distributed. Sample is draw from the population and it should be random. We should know the population mean. These are the some assumptions about the sample t-test. And here are the conditions. Population standard deviation is not known. The size of the sample is small. It means कि जब आप जो sample withdrawal कर रहे हैं वो आपका less than 30 है, then we are using the sample t-test. The other thing is, in one sample t-test, we know the population mean. आपको population का idea होता है कि population का average कितना है जिस भी population से आप data withdraw कर रहे हैं. Then we draw a random sample from the population and then compared the sample mean with the population mean and make a statistical decisions as to whether or not the sample mean is different from the population. It means जो आप random sample withdraw कर रहे हैं आपके population से उसके mean को population के mean से compared किया जाता है. Here is some example. Let's x1 x2 it be a random sample size of ये आपने random sample लिया है अपने population से जो normal population का mean है वो आपने दिया और variance दिया हुआ है. population आपको hypothesis आपकी null hypothesis अपन already पढ़ चुके हैं कि hypothesis है आपकी null hypothesis और rejected एक alternative hypothesis होती है. null hypothesis when your assumptions जो भी आपने लिया assumptions about the population is to be accepted, that is called the null hypothesis. So here population mean is equal to a specified value. आपकी population mean जो है जो आपने value आपने आपकी sample mean है उससे equivalent होती है, then आपकी null hypothesis should be accepted. So here we using the formula for testing null hypothesis. Here is the t is equal to x minus mu divided by s divided by under root n. T is the hypothesis and x bar is the sample mean minus mu is the population mean divided by s is the standard deviation and n under root n is the size of the population. Now we are discussing the two sample t-test. It is used when two independent random sample come from the normal population. जो different आपके independent sample हैं वो आप population से ले रहे हैं और उसमें जो variance है वो भी same है. We test the null hypothesis that two population mean are the same. दोनों population जो आपने mean लिया है दोनों population same है. It means mu1 is equal to mu2. दोनों population का size जो आपका जो average आ रहा है वो same आ रहा है. So here is some assumptions about the two sample t-test. Population are distributed normally. Second is samples are draw independently at random. The conditions satisfied is standard deviation in the population are same and not known. The second is the size of sample is small. We already discussed before कि सैंपल टी टेस्ट जब भी यूज़ करते हैं जब आपका पॉपुलेशन का साइज़ कम होता है. सो नाउ हियर इज सम फॉर्मूला अबाउट द सैंपल टू टेस्ट टी टेस्ट. इफ द टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स हियर इज सम सैंपल्स एक्स आई एंड वाई जे इट्स अ साइज ऑफ सैंपल एंड n1 n2 इज द पॉपुलेशन normal population and the average of the population means is mu1 and mu2. So here is the formula. T is equal to x minus its x is the mean of first population sample size population mean and y is the jo another population sample size mean and divided by s the is the under standard deviation then under root 1 y n1 plus 1 by n2 n1 and n2 2 is the population it represented it the population. So here is the formula. Now the third one we are discussing the paired t-test. It is used when measurement are taken from the same subject before and after some manipulation
for treatment. Here is some examples to determine the significance of difference in blood pressure before and after administration of an experimental pressure substance. Same subject पे जब दो बार experiment कर रहे हैं then we are using pair T test. For example यहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे कोई blood pressure का मरीज है उसको आप कोई चेक कर रहे हैं उसको एडमिट करने के उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं देन एडमिट आफ्टर एडमिटेड उसका ब्लड प्रेशर कर रहे हैं तो एक सेम सब्जेक्ट पे जब दो बार आप टेस्ट करते हैं देन आप जब उस टाइम पे पेयर टी टेस्ट को यूज़ करते हैं. सम अजम्पशंस अबाउट द पेयर टी टेस्ट. पॉपुलेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली एंड सेकेंड इज सैम्पल्स आर ड्रॉन इंडिपेंडेंटली एंड एट रैंडम. द कंडीशंस आर सैम्पल आर रिलेटेड विथ ईच अदर. जो सैम्पल्स आप ले रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए. साइज ऑफ द सैम्पल आर स्मॉल एंड इक्वल. ऑब्वियस है कि टी टेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो सैम्पल साइज आपका स्मॉल ही होगा. नाउ द स्टैंडर्ड डेविएशन इन द पॉपुलेशन आर इक्वल एंड नॉट नोन. स्टैंडर्ड डेविएशन आपका इक्वल होना चाहिए. हियर इज द फार्मूला. इट्स ओ इज रिप्रेजेंट द हाइपोथेसिस and the formula is T is equal to D divided by S divided by under root N, where the D is the difference between the X1 and X2. It's a population sample size of two different or equal sample size. D bar is equal to average of the D, it's a mean. S is a standard deviation and N is the sample size. Now we come to the second parametric test. It's a ANOVA. It is also called the analysis of the variance. Analysis of variance is a collection of statistical model used to analyze the difference between group means or variance. Compare multiple groups at one time. It is developed by R.A. Fisher. There are two types of ANOVA. It's a one-way ANOVA and the two-way ANOVA. Now we are discussing the one-way ANOVA. One-way ANOVA is compare two or more unmatched group when the data are categorized in one factor. दो आपका different group का data है और आप एक ही factor पे उसको check कर रहे हैं. Then we are using the test of one-way ANOVA. Here is some examples. It's a comparing a control group with three different doses of the aspirin. तीन आप एक ये medicine का example है इसका medical science का कि तीन different group पे आप एक medicines को test कर रहे हैं. The another example is comparing the productivity of three or more employees based on working hours in a company. आप एक ही company एक company में जो वर्किंग एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को आप एक रिसर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड कि वर्किंग आवर्स डिफरेंट वर्किंग आवर्स में उन एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी सेम वर्किंग आवर्स में उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी कम या ज़्यादा होती है. नाउ वी आर डिस्कसिंग द टू वे ANOVA. इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ टू नॉमिनल प्रेडिक्टर वेरिएबल ऑन अ कंटिन्यूस आउटकम वेरिएबल. It is analyze the effect of the independent variable on the expected outcome along with their relationship to outcome itself. This is a sub example. Comparing the employee productivity based on the working hours and working conditions. Here is the two factors involved. First is the working hours and the working condition. And when we discussing one way ANOVA, there are only one conditions are satisfied. It is the based on working hours in a company. Now here we are using the two factors, working hours and the working conditions. So in this example we are using the statistical test is two-way ANOVA. Here is some assumptions about the ANOVA, and the assumptions are the samples are independent and selected randomly. जो भी सैंपल्स हैं आपके इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसको रैंडमली सिलेक्टेड होना चाहिए.
present population from which samples are taken is normal distribution. जो भी है आपका sample, it means कि आपका जो सैंपल होना चाहिए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. इट मीन्स कि उसका जो मीन, मीडियन और मोड है वो इक्वली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. वेरियस ट्रीटमेंट एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आर एडिक्टिव इन नेचर. एंड द नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटल एरर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली विथ मीन जीरो एंड वेरियंस. नाउ we are talking about the non-parametric test. Non-parametric test means when the population size is unknown, the researcher has no idea about the population where he is draw the sample. जो researchers होते हैं उन्हें बिल्कुल भी idea नहीं होता है population का और उस population से वो data withdraw करते हैं. So here is some characteristics of the non-parametric test and these are the that the observation are independent. The second is the variable under study has underlying continuity. The third is non-parametric procedure leads different hypothesis about population than do the parametric procedures. The fourth is unlike parametric test, there are non-parametric tests that may be applied appropriately of to data measured in an ordinal scale and others to data in a nominal or the categorical scale. Now this is the end of unit 5. Thank you so much.